हेलो दोस्तों। तो वॉइस का जो सीज़न 4 है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड जो था एंडिंग था, और यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता था। मतलब समझने की बात यह है कि हम जो एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं हुआ, और जो लोग सोच रहे थे शायद सीज़न 4 में होमलैंडर को मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। होमलैंडर का जो होने वाला है वो 2026 में हमें जो है द बॉयज़ सीज़न का जो एंडिंग देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जो होमलैंडर है वो बदल सकता है, या फिर होमलैंडर की जगह अपना बेटा जो है ले सकता है। हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जो बच्चा रहता है वो होमलैंडर के बेटे जो रायन होता है उसे बुलाते हैं हॉस्पिटल में, और वहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती है जो शायद उसकी नानी होती है। तो वो बोलती है कि हमें तुम्हारी इंतज़ार था काफ़ी दिनों से, और उसे समझाने लगता है कि वो अपने पापा को कैसे होमलैंडर को मारे, लेकिन वो राज़ी नहीं होता है। वो बोलता है कि तुम्हारी मम्मी को उसने रेप किया था, फिर भी वो रायन जो होता है बोलता है वो मेरे पापा है, मैं नहीं मार सकता। तो जब फोर्स करता है तो वो बुढ़िया को पहल देता है और बुढ़िया मर जाती है। वहीं पे बच्चा समझ जाता है कि रायन जो है वो होमलैंडर को प्यार करता है, मतलब अपने पापा को प्यार करता है। तो वहीं पे जो है होमलैंडर की जो वाइस प्रेसिडेंट बनती है जो औरत, उसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं, वो उसकी बेटी जो बोलती है द बॉयज़ वालों को कि हमें होमलैंडर मार देगा। लेकिन वहीं पे क्या होता है कि जो द बॉयज़ वाले होते हैं वो इसको उसके पास आता है, बट फिर भी जो क्या होता है वो वायरस तो बना लिए होते हैं द बॉयज़ वालों ने होमलैंडर को मारने के लिए, बट फिर भी क्या होता है द बच्चर वहीं पे आता है और बच्चर आगे उस औरत को दो टुकड़ों में हिस्से मतलब जो कर देता है और उस वायरस को लेकर चले जाते हैं। तो वहीं पे हमें होमलैंडर को बोलते हैं कि जो सेज बोलता है कि ये मैं तुम्हारे लिए किया हूँ, और वहाँ पे जो होमलैंडर बोलता है मैं तुम्हें निकाल दिया था, बट फिर क्यों? सेज बोलता है मैंने तुमने वादा किया था पर मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम्हें मेरी बात मानना होगा। तो होमलैंडर यहाँ पे खुशी होता है और उसके जो मुंह में जो स्माइल आता है वो काफ़ी एपिक स्माइल था। बट यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि भाई बच्चर ने जो है वायरस ले लिया, तो आगे क्या होगा? तो वही होने वाला है जो आप सोच रहे हो, आगे काफ़ी अनएक्सपेक्टेड जो है स्टोरी होने वाला है, और ये शायद हमें 2025 में देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ आया हो।